उत्तरकाशी में द्रौपदी डांडा दो में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 19 शव बरामद हुए हैं, सभी की पहचान हुई है। एवलॉन्च के बाद लापता 10 ट्रेनी की खोजबीन अभी भी जारी है। मौके पर रेस्क्यू टीम और सर्च ऑपरेशन चला रही है। बेस कैंप से 4 शव लाए जा रहे हैं माली हेलीपैड। 4 शवों में से 3 की पहचान हो चुकी है। अजय भिष्ट, सविता कंसवाल की पहचान हुई है। नवमी रावत की भी पहचान हो चुकी है। जो बताया जा रहा है, सविता और नवमी उत्तरकाशी की रहने वाली है, तो नैनीताल के रहने वाले बताए जा रहे हैं अजय भिष्ट। उत्तरकाशी में अभी तक जो जानकारी मिली है, 19 जो बॉडी हैं वो अभी तक रिकवर्ड हो गई हैं, मिली हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जहां श्रीनगर से आया हुआ दल भी है, NDRF भी है, SDRF भी है, सेना के लोग हैं, ITBP के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, और मैं भी स्वयं भी लगातार सबके संपर्क में हूँ। जहाँ जैसी जरूरत है उसके मुताबिक जो है काम किया। चलिए सीधा अपडेट लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप से। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, 10 ट्रेनी की खोजबीन अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी तक मैं पूरे रेस्क्यू अभियान की बात करूं तो 4 डेड बॉडी को आज उत्तरकाशी लाने में सफलता मिली है। आज प्रशासन ने एक निर्णय लिया पायलट और एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर कि जो हमको मातृ आने के लिए रास्ता है उसको डाइवर्ट करके हम हत्ती होके आए तो बेहतर होगा, और ये जो प्लान था ये कामयाब रहा। 4 शव उत्तरकाशी आ चुके हैं जिनके अब पोस्टमार्टम आज की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एक कानूनी कार्रवाई भी है। इसके बाद अन्य जो गुमशुदा लोग हैं उनकी तलाशी के लिए, उनकी शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए जो पैदल गई टीमें हैं, जिसमें गुलमर्ग से एक्सपर्ट टीम है, SDRF के जवान है, ये पैदल मूव कर रहे हैं, जिसकी हम फोटो विजुअल भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अब ये मैनुअल जाके ये पता कर रहे हैं कि क्रेवास में कितने फंसे हैं या बाहर कितने लोग दिख रहे हैं। आर्मी का हेली भी बार बार मौके पर जाने का प्रयास कर रहा है, और वो कल गया भी था, पर आज से मौसम पूरे प्रदेश में एक बार फिर बिगड़ने लगा है, क्योंकि कल परसों का यानी शनिवार रविवार को भारी बारिश का अलर्ट भी है। तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में ये बड़ा रेस्क्यू अभियान चल रहा है, जिसको खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटर कर रहे हैं और समय समय पर अफसरों से बिल्कुल देखिए लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है ये पूरा सर्च ऑपरेशन भी। फिलहाल किस तरीके से उन 10 ट्रेनियों की भी तलाश होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।